नमस्कार, मैं सीमा मलकानिया, मेरी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्पंज रसगुल्ला। राखी का त्यौहार आ रहा है और इस पे कुछ मिठाई बनाना तो बनता ही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रसगुल्ला आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इसके लिए मैं राखी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आइए देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। स्पंज रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसको गैस पे रख लिया है और इसको एक उबाल आने तक हम उबालेंगे। दूध में अब उबाल हमारे आ चुका है और अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको नीचे उतार के इसमें नींबू का जूस हम मिक्स करेंगे। आप इसकी नींबू की जगह आप टाटरी या फिर वाइट सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 2 नींबू का जूस लिया है, इसमें मैं इतना ही पानी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको दूध में मिक्स करूँगी। और इसको नींबू के जूस को छान के यूज़ करेंगे ताकि उसकी जो पल्प है वो बीच में ना जाए और हमारे रसगुल्ले का जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो। और ऐसे ही हम धीरे धीरे इसको मिक्स करते रहेंगे और इसमें ऐड करते रहेंगे छेना बनाने के लिए। और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब देखिए थोड़ा थोड़ा ये फटना शुरू हो चुका है दूध, और थोड़ा सा बचा है इसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए दूध जो है वो हमारा फट गया है, इसका छेना जो बन गया है, और अब हम इसको छान लेंगे। एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसमें छान लेंगे। आप इसमें मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, जो मसलन क्लॉथ होता है वो भी ले सकते हैं। और इसको ऐसे कॉटन के कपड़े में इसको छान लेंगे और इसमें आप ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए, ये आगे ना पके, नहीं तो हमारा जो छेना है वो हार्ड हो जाएगा। और ऐसे ही इसको मैं 1 से 2 घंटे तक बांध के रख दूंगी ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निचुड़ जाए और हमारा छेना जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इसमें पानी नहीं रह, ये देखिए सूख गया है, अब ये अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो निचुड़ गया है। और अब हम इसको हाथ से मसल लेंगे और इसमें मैं 2 चम्मच मैदा यूज़ कर रही हूँ, ये भी हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से हाथ से 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे जब तक इसमें से घी ना निकल जाए, ये हमारा जो छेना है वो घी ना छोड़ दे। ये हाथ की हथेली से इसको हम अच्छे से मसलेंगे। अभी देखिए बिल्कुल हमारा छेना जो है वो सॉफ्ट हो चुका है और अब हम इसकी जो है वो बॉल बना लेंगे, रसगुल्ला के लिए बॉल बना लेंगे। तो बॉल आप अपने उसके अनुसार छोटी बड़ी जैसी भी आपको पसंद हो बना लें और इसको देख लें कि इसमें क्रैक ना आए बॉल में। अगर क्रैक आता है तो थोड़ा और इसको छेना को मसल लें। तो ये ठीक है, हमारा छेना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी क्रैक नहीं है और ऐसे ही मैं सारी बॉल जो है वो बना लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है और ये रसगुल्ले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए सारी बॉल जो है हमारी बन चुकी हैं और इसमें मैं ये 1 सवा कप चीनी जो है वो ले रही हूँ शुगर सिरप के लिए। और अब शुगर सिरप बनाएंगे हम और केवड़ा एसेंस। तो मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें मैं ये चीनी डाल रही हूँ और उसका जितनी चीनी है उसका डबल पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उबाल आने तक इसको पकाएंगे। तो अच्छे से अब इसको हम हिला लेंगे और चीनी पिघलने तक इसको ऐसे मिलाते रहेंगे, बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अगर शुगर सिरप जो है वो बनना शुरू हो गया है, इसमें चीनी पिघल चुकी है, तो इसमें मैं केवड़ा एसेंस की 5-6 बूंदें ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से खुशबू आए। और अब हमारी जो शुगर सिरप है वो उबलना शुरू हो चुकी है, तो इस टाइम पे हम ये जो हमारी बॉल बना के रखी हैं, हमने छेना की बॉल जो बना के रखी हैं उनको ऐड करूँगी और इनको एक साथ ही हमने उबलते इस शुगर सिरप में डालना है, अलग अलग नहीं डालना क्योंकि इकट्ठे ही पकाना है।
अगर अलग अलग डालेंगे तो अलग अलग पकेंगी, और इसको 5 मिनट तक हम ढक्कन दे के पकाएंगे। और अब एक बार ढक्कन उठा के थोड़ा देख लेते हैं और इनको हिला भी लेते हैं, पलट लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारे बॉल कितने अच्छे हो चुके हैं, रसगुल्ले हमारे, इनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया है, फूल गए हैं थोड़े ये। और अभी हम इनको और थोड़ा पकाएंगे, 15 मिनट इनको और पकाएंगे ऐसे, और आंच जो है वो तेज़ ही रखेंगे, कम आंच नहीं करेंगे, फिर से ढक के पकाएंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल पक चुके हैं ये, तो मैं गैस बंद करूँगी। फ्रेंड्स, रसगुल्ले हमारे तैयार हैं और बहुत अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी छेना, दूध का छेना बनाएं, तो उसको दूध को नीचे उतार के ही उसमें नींबू का जूस या जो भी आप मिलाना चाहते हैं, सिरका या फिर आप टाटरी, तो नीचे उतार के ही 1 मिनट के बाद उसमें मिलाएं, और उसको ज़्यादा देर गर्म दूध में ना रखें, और बाद में छेना को बहुत देर तक मसलें, कम से कम 10 मिनट तक उसको मसलें, तब जाके वो सॉफ्ट होता है। और अगर ऐसे आप मसलेंगे तो आपके रसगुल्ले भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे, और ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही। थैंक यू।